सुकमा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नक्सलियों की वैश्याना करतूत एक बार फिर से सामने आती हुई। उपसरपंच शिक्षा दूत की हत्या की जा चुकी है, उपसरपंच माड़वी गंगा की हत्या हुई है, साथ ही साथ शिक्षा दूत सुक्का कवासी की भी हत्या नक्सलियों ने की है। शवों को लेकर ताड़मेटला पहुंच चुके हैं ग्रामीण। नक्सलियों के कब्जे में अभी भी दो ग्रामीण फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी दो लोग नक्सलियों के कब्जे में ही हैं। इस बारे में कल ही जानकारी सामने आ गई थी कि दो लोगों को मौत के घाट उतारा है नक्सलियों ने, और अब इस बात की पुष्टि की उपसरपंच माड़वी गंगा की हत्या और शिक्षा दूत सुक्का कवासी को भी मौत के घाट उतार दिया नक्सलियों ने। कई लोग नक्सलियों के कब्जे में थे जो कि अब आ चुके हैं गांव की तरफ, और जितने भी ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है कि दोनों को मार दिया गया है। शव लेकर यहां पर पहुंचे हैं ग्रामीण, और यह भी बताया गया कि दो लोग अभी भी नक्सलियों के कब्जे में ही हैं। यह भी जानकारी थी कि कई सारे स्कूली बच्चे भी नक्सलियों के कब्जे में थे। उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ग्रामीण वापस गांव लौटे घना जंगल क्षेत्र में, और इसी वजह से नक्सली क्षेत्र होने के कारण ही पुष्टि हो पाना मुश्किल हो पा रही थी। लेकिन यह इंतजार किया जा रहा था कि जब ग्रामीण यहां पर पहुंचे तो इस बारे में जानकारी सामने आए। सही कि सत्यनारायण हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सत्यनारायण, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी, आपको बता दूं, पिछले एक सप्ताह से माओवादियों ने ताड़मेटला गांव के जो उप सरपंच है माड़वी गंगा और एक शिक्षा दूत है सुक्का कवासी समेत 15 लोगों का अपहरण कर दिया था। इसके बाद जो है कल से लगातार उस इलाके से खबरें आ रही थी। उसके बाद सर्व आदिवासी समाज और कोया समाज ने एक अपील भी जारी की थी कि सभी को जो है सकुशल रिहा किया गया, और साथ साथ जो पुलिस प्रशासन भी पूरी जानकारी जुटाता रहा कि आखिरकार माओवादियों ने क्यों उठाया, क्योंकि अक्सर उस इलाके में माओवादी अक्सर ग्रामीणों को बैठकों में बुलाते हैं और 3-4-5 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो लिहाजा सामान्य प्रक्रिया है जिसे चलते जो है ग्रामीणों को नशीब लाते हैं। लेकिन कल रात के खबर आई कि नक्सलियों ने जन आधारण लगाई थी जिसमें माड़वी गंगा और सुक्का कवासी को मुखबिरी के आरोप में दोषी ठहराते हुए उनको जो है मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद जो है देर रात बाकी ग्रामीणों को रिहा किया गया और बाकी ग्रामीण जो है दोनों का शव लेकर ताड़मेटला पहुंचे हैं। और बताया जाता है कि कुछ ग्रामीणों के साथ में मारपीट भी नक्सलियों ने की है, और दोनों शवों को जो है ताड़मेटला लाया गया है। उसके बाद जो है लगातार जो इस इलाके में दहशत का माहौल है, आज सुबह जो है स्वराज्य समाज के लोग भी वहां पहुंचे हैं और दोनों का शव अभी ताड़मेटला में है। उसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पीएम करने के बाद में परिजनों को जो है शव सौंपा जाएगा। जी सत्यनारायण, ये भी पहले सूचना थी कि स्कूली बच्चे भी नक्सलियों के कब्जे में थे, इस और कोई जानकारी? जी अभी जो है नक्सलियों के कब्जे में जैसे कि जो जानकारी मिली है ग्रामीण कवाले से कि अभी तक कोई भी नक्सलियों के कब्जे में नहीं है, सभी को रिहा कर दिया गया है और सभी जो है ग्रामीण सुरक्षित ताड़मेटला गांव पहुंच चुके हैं, और दो की जो है हत्या की है इसमें उप सरपंच माड़वी गंगा बताया जा रहा है और सुक्का कवासी जो की शिक्षा दूत है पढ़ाने का काम करता है। वही एसपी को एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें ये जिक्र किया गया है कि दो की हत्या की गई और बाकी सबको जो है माओवादियों ने छोड़ दिया है, और दोनों जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, वहां पर जो है राशन कार्ड शासन की योजनाओं को पहुंचाने काम कर रहे थे, जिसके चलते जो है नक्सलियों ने ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा। जी ठीक है, आप बने रहेगा सत्यनारायण हमारे साथ। ये हमारे सहयोगी जो कि लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि सभी को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है, कोई भी व्यक्ति उनके कब्जे में नहीं है। लेकिन ये बड़ी जानकारी कि दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया है नक्सलियों ने, गांव में मातम पसरा हुआ है, ताड़मेटला पहुंचे हैं ग्रामीण। पहले ये माना जा रहा था कि जब भी इस तरह से ग्रामीणों को या किसी भी व्यक्ति को नक्सली पकड़ते थे आसानी से कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया करते थे, इस बारे में आशंका किसी को नहीं थी कि इस तरह से जनाधारा लगाकर दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन नक्सली की तरफ से एक बार फिर से कायराना करतूत और दो लोगों को मौत के घाट उतारा है नक्सलियों ने, उप सरपंच साथ ही साथ शिक्षा दूत जो कि बताया जा रहा है जिनकी हत्या की गई है। यह भी खबर है कि सभी लोग अब वापस गांव लौट आए हैं, लेकिन इस करतूत के कारण लोगों में गुस्सा भी है साथ ही साथ डर का माहौल भी इस क्षेत्र में। ये तस्वीरें उसी वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जब ग्रामीण वापस गांव की तरफ आ रहे थे। ये जब शव लेकर ग्रामीण पहुंचे तब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। परिजन जब मिल रहे थे मृतकों से उस समय की तस्वीरें जो कि निश्चित तौर पर डरा देने वाली भी और साथ ही साथ गुस्सा भी आता है नक्सली के इस तरह के करतूतों को देखते हुए। हालांकि लगातार जवान भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए हुए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की वारदातों को लगातार नक्सली अंजाम दे रहे हैं और ये अब परेशानी का सबब बनता जा रहा है।
ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर घना जंगल है, नक्सली क्षेत्र है, यहां पर ग्रामीणों में डर अब और ज्यादा बढ़ता हुआ। लेकिन चूंकि इस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही है, इसी वजह से सुरक्षा बल भी पूरे मुस्तैदी के साथ इन्हीं इलाकों में तैनात है। अब तक आपने दुल्हन को डोली में या फिर सहेलियों के साथ स्टेज पर जाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम दुल्हन का एक अलग रूप आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां दुल्हन ट्रैक्टर चलाकर स्टेज तक पहुंच गई। तस्वीरें 27 जून की बताई जा रही है। परशुराम गार्डन में शिवानी पटेल और अखिल पटेल की शादी हुई थी। पाटन के जमुनिया गांव के निवासी निखिल पटेल ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं और दुल्हन शिवानी पटेल दमोह के करौंदी गांव की रहने वाली हैं। और इस तरह से अनोखी एंट्री दुल्हन ने पंडाल में। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।